शादियां तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन ऐसी अनोखी शादी आपने शायद ही कहीं देखी होगी। ये प्रेमी जोड़ा देखने में आपको आम शादियों जैसा ही लगेगा, लेकिन हकीकत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ एक आदमी अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करा रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर में इस फिल्मी अंदाज में हुई शादी की काफी चर्चा है। शादी का पता चलते ही लोग हैरान रह गए कि पति ने अपनी पत्नी की मोहब्बत के लिए अपने साथ फेरे भी भुला दिए और खुद उसकी उसके प्रेमी से शादी करवा कर एक अनोखी और बड़ी मिसाल पेश की। शादी के बाद पति को उसकी पत्नी ने बताया था कि वो किसी और शख्स से प्यार करती है। पहले तो पति ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की और जब वो नहीं मानी तो रजामंदी से उसके प्रेमी से उसकी दूसरी शादी करा दी। खबरों के मुताबिक पंकज नामक शख्स की 6 महीने पहले ही कोमल नाम की एक लड़की से शादी हुई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही पत्नी ने उसे साफ बता दिया था कि वो किसी दूसरे शख्स को पसंद करती है। तब ये जान पति ने अपनी नई नवेली पत्नी को आजाद कर दिया, पहले बकायदा तलाक दिया और उसके बाद खुद ही अपने सामने पत्नी के प्रेमी संग साथ फेरे भी करवा दिए। इतना ही नहीं, पंकज ने अपनी पत्नी की शादी कराने के लिए सारे नियमों का पालन भी किया। उन्होंने पहले कोमल को तलाक दिया और फिर सरकारी संस्था आशा ज्योति केंद्र में इनकी शादी के लिए सारे जरूरी कागजात भी तैयार करवाए। अपनी तरफ से वकील भी वे खुद ही लेकर पहुंचे थे। वहीं सखी केंद्र में इस शादी को बकायदा संपन्न कराया गया, जहां पर महिला पुलिस ने भी वर वधु को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। फिलहाल पंकज भी कोमल की इस शादी से खुश है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।